हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाफ कट और फुल कट के बारे में, हाफ सर्कमसिशन और फुल सर्कमसिशन के बारे में। सर्कमसिशन एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो कुछ धर्म में बचपन से अपनाया जाता है और कुछ धर्म में इसको मेडिकल कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली जो मुस्लिम कंट्रीज होती है, जो मुस्लिम रिलीजन होता है, उनमें छोटे बच्चों पे ही ये आजमाया जाता है। और बाकी धर्म में जब उनको कोई मेडिकल कंडीशन होती है, लाइक फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम होती है, तो उन केस में एज अ ट्रीटमेंट उनकी सर्कमसिशन कराई जाती है। और कुछ केस में हाइजीन का प्रॉब्लम अगर हो, किसी को अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो, जिस केस में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम अगर होती है, तो उस केस में भी सर्कमसिशन होती है। बट ये जो सर्कमसिशन होता है ना, वो दो तरीके की होती है, एक होता है हाफ कट, एक होता है फुल कट। यूजुअली जो फुल कट होता है ना, वहाँ पे पूरे के पूरे फोर स्किन को निकाला जाता है, जहाँ पे कोई भी चमड़ी नहीं बचती। और वहाँ पे जो हाफ कट होता है ना, वहाँ पे आधी चमड़ी या फिर म्यूकोसल मार्जिन तक या कॉफ तक ही काटी जाती है, पूरी रिमूव नहीं की जाती। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, आप अच्छे से संबंध नहीं बना पाते हो, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपको थकान बहुत जल्दी आ जाती है, या फिर आपका सेक्स करने का मन ही नहीं करता, तो आप मिस्टर्स डेली जोश फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अश्वगंधा, कोको बीन्स, अनार आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करते हुए आपके जल्दी गिरने की समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है। और इसमें जिंक मैग्नीशियम है जो आपके मसल स्ट्रेंथ को, आपके स्टैमिना को, आपके पावर को तेजी से इंक्रीज करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने पेट की मसाज करो। इसमें एलर्जिनेन होता है जो आपके पेट के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है। साथ साथ इसमें लौंग और एलोवेरा है जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को काफी हद तक सॉल्व करने में मदद करता है। तो अगर आप अपने जल्दी गिरने की समस्या से निजात पाना चाहते हो और अपने थकान को दूर करना चाहते हो, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप ट्राई आउट कर सकते हो। और अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि अगर बचपन में ही फुल कट किया जाए तो ही अच्छा होता है, क्योंकि उस केस में फिर ग्रोथ के साथ साथ बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है और वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है और इरेक्शन में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फ्रिनुलम में भी कोई असर नहीं पड़ता। मैंने फ्रिनुलम के बारे में पहले भी एक वीडियो में बताई है। और अगर एडल्ट एज में सर्कमसिशन करानी हो, तो फिर डॉक्टर्स या रिसर्चर्स जो होते हैं, वो हाफ कट की ही सलाह देते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी चमड़ी बचाई जाती है, ताकि वो इरेक्शन में असर ना करे और फ्रिनुलम टीयर जैसे प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े और आपका जो लिंग है वो 100% इरेक्ट हो सके, उसमें तनाव आ सके। क्योंकि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि बाद में जब ये डेवलप होता है, तो इरेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होती। स्टडीज में ये पाया गया है कि जिनका एडल्ट एज में फुल सर्कमसिशन हुआ है, बहुत लोगों में ये देखा गया है कि उनके इरेक्शन में इशू हो रही है ड्यू टू सम पेन, ड्यू टू क्योंकि बहुत बार वो फूल नहीं पाती अच्छे से, तो इरेक्शन में कमी हो जाती है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता। अदरवाइज दोनों केस में ही हाइपर सेंसिटिविटी हो या हाइजीन की शिकायत हो या फाइमोसिस जैसी प्रॉब्लम हो, पैराफाइमोसिस जैसी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी शिकायत हो, अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, तो हाफ कट हो या फुल कट हो, दोनों में ही राहत मिलती है। इसीलिए कुछ लोग बचपन में ही सर्कमसिशन करा लेते हैं, ताकि ग्रोइंग के साथ साथ, एज ग्रोथ के साथ साथ उनको कोई शिकायत ना हो। और कुछ लोग होते हैं जो एडल्ट एज में सर्कमसिशन करा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक अच्छे से सेक्सोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि आपको फुल कट करानी है, हाफ कट करानी है। वही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके एज के हिसाब से और आपके डेवलपमेंट के हिसाब से कौन से टाइप की सर्कमसिशन करानी चाहिए। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। Thank you.